हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप फ्यूचर में हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन अग्रवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम ग्रे स्किन क्लिनिक सूरत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायपर रैश के बारे में। डायपर रैश, नैपी रैश, ये जो छोटे बच्चों को जो नैपी पहनते हैं, डायपर पहनते हैं, जिनको सुसु पॉटी का खुद पता नहीं चलता है, उन बच्चों को ज़्यादातर होता है। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। 4 में से 1 बच्चे को यूजुअली पैदा होने से 3 साल की उम्र तक 4 में से 1 बच्चे को कभी ना कभी ये रैश होता ही है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये जो फोल्ड्स होते हैं उसमें होता है, मतलब जो बम का फोल्ड होता है और जो थाई और बॉडी के बीच में जो फोल्ड होता है, फिर थाई में भी बच्चों को फोल्ड्स होते हैं, इनमें यूजुअली लालिमा आ जाती है, स्किन थोड़ी पतली लगने लगती है, कभी कभी हल्का पानी डिस्चार्ज टाइप का होने लगता है, बच्चा इरिटेबल हो सकता है अगर उसको खुजली ज़्यादा हो इसमें तो, क्योंकि छोटे बच्चे खुजली नहीं कर पाते हैं और बता नहीं पाते हैं तो इसलिए वो चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो ये डायपर रैश होता क्यों है? देखिए, मुख्य 2 कारण हैं। जो गीलापन होता है उसके वजह से कई बार फंगस डेवलप हो जाता है, क्योंकि फंगस हमारे वातावरण में है ही, तो जब सुसु पॉटी की वजह से गीलापन रहता है उसमें फंगस डेवलप हो जाते हैं। दूसरा एक मुख्य कारण है, पॉटी अगर लगी रहती है बच्चे के बॉडी पे, या नैपी और डायपर गंदा हो गया, पॉटी वाला हो गया, फिर भी वो पहना हुआ है बच्चा, तो जो पॉटी है उसमें से अमोनिया रिलीज होता है जो स्किन को इरिटेट करता है और उसकी वजह से हो सकता है। ये मुख्य 2 कारण हैं जो ज़्यादातर बच्चों में रीजंस होते हैं, लेकिन इसके सिवा छोटे मोटे और कभी कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर कपड़े की नैपी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो डिटर्जेंट है या जो सॉफ्टनर है उस मटेरियल की बच्चे को एलर्जी हो। कभी कभी कुछ लोग वाइप्स यूज़ करते हैं जिसमें अल्कोहल होता है, फ्रेग्रेंस होती है, जिसके वजह से स्किन इरीटेट हो जाती है। कभी कभी जो बॉडी वॉश वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बाथ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो एरिया को बार बार साबुन से क्लीन करते हैं, उसके वजह से इरिटेशन होके रैश हो जाता है। तो कभी कभी ये रीजंस भी होते हैं, पर मुख्य रीज़न है पॉटी के वजह से या फंगस के वजह से। तो क्या आप मेजर्स लेंगे जिससे आप इससे बच सकते हैं? अवॉइड करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, आइए देखते हैं। पहला सबसे ज़रूरी ये है कि जैसे ही बच्चे ने पॉटी की हो या सुसु किया हो, आप तुरंत उस डायपर को या उस नैपी को उसकी त्वचा से दूर कर दीजिए। दूसरा ये है कि जो भी डायपर अगर आप यूज़ करते हैं तो कोशिश करिए कि वो फ्रेग्रेंस फ्री हो, फ्रेग्रेंस वाला ना हो, और अगर हो सके या जिस टाइम पॉसिबल है उस टाइम कपड़े की नैपी यूज़ करिए। तीसरी बात ये है कि आप उसको त्वचा को तुरंत क्लीन करिए, मतलब पॉटी और सुसु का जो अंश है वो त्वचा से साफ़ करिए। साफ़ करने के लिए आप सूती नरम कपड़ा यूज़ कर सकते हैं हल्का सा भिगो के, या फिर आप वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइप्स अल्कोहल फ्री होने चाहिए, फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए, नहीं तो उनकी वजह से बच्चे को एलर्जी या इरिटेशन हो सकती है। साफ़ करने के बाद उसको सुखाना भी उतना ज़रूरी है। इसके लिए आप नरम सूती कपड़े से, सूखे कपड़े से हल्का सा दबा के सुखा सकते हैं, रगड़ के मत पोछिए। रगड़ने से बच्चे की जो पतली त्वचा है, नरम त्वचा है, उसमें से ऊपर की सतह जो हमारी त्वचा को प्रोटेक्ट करती है वो हट सकती है और इरिटेशन बढ़ सकती है। इसके बाद आप बैरियर क्रीम ज़रूर यूज़ करिए। बैरियर क्रीम होती है उसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या ये पेट्रोलियम जेली या सिंपल नारियल तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको बैरियर क्रीम के फॉर्म में। बैरियर मतलब आपकी त्वचा पे एक परत बन जाएगी जो बाहर की चीज़ों को त्वचा के अंदर एंटर होने से या त्वचा को इरिटेट करने से बचाएगी। तो ये बैरियर क्रीम का यूज़ करिए रेगुलर लेवल पे, और इसको लगाने के 5 मिनट बाद ही आप उसको डायपर या नैपी पहनाइए। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब भी बच्चे ने सुसु पॉटी की हो और आप चेंज करके सुखा रहे हो, तब उसको अगर हो सके तो थोड़ी देर खुले में छोड़ दीजिए। इससे एक तो वो तुरंत सुसु पॉटी नहीं करेगा क्योंकि हमें उसने अभी अभी की होगी, और दूसरी बात हवा से जो वो सूख जाएगी त्वचा, तो उसमें इन्फेक्शन या इरिटेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप यूज़ करिए। अगर बच्चे को ये सब मेजर्स लेने के बावजूद रैश हो गया है
तो ट्रीटमेंट में यूजुअली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या तो अगर इरिटेशन या एलर्जी के वजह से हुआ है, डर्मेटाइटिस हुआ है, तो स्टीरॉयड क्रीम लेंगे। ये स्टीरॉयड क्रीम आप अपने मन से ज़्यादा समय मत यूज़ करिए, मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर अंदर इसके वजह से जो भी रैश हुआ हो वो ठीक हो जाता है। उससे ज़्यादा आप अपने मन से मत यूज़ करिए, डॉक्टर को दिखाइए। अगर फंगस के वजह से हुआ है तो एंटी फंगल क्रीम जो भी देंगे वो ठीक होने के बाद कम से कम 1 से 2 हफ्ते और यूज़ करना चाहिए, जिससे फंगस पूरी तरह से क्लियर हो जाए। किन कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखाएंगे? अगर हल्का फुल्का रैश हुआ हो तो आप सिंपल बैरियर क्रीम यूज़ करके 2-3 दिन देख सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर ये कंडीशंस हुई है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को, चर्म रोग विशेषज्ञ को तुरंत मिलना ज़रूरी है। ये क्या है, अगर बच्चे को बुखार हो रहा है तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, तो वो दर्द में है, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो अगर आपको कोई छाले दिख रहे हैं, तो मवाद निकल रहा है, तो या अगर पस के पॉइंट्स हो चुके हैं, मवाद के छाले पड़ चुके हैं छोटे छोटे, तो या बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो या वो 5 से 7 दिन में जो आपने बैरियर क्रीम लगाई है उससे इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ को मिलना चाहिए। क्योंकि डायपर रैश जो 2-3 कारणों से होता है उसको डिफरेंशिएट करना सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए पॉसिबल है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, इससे ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सकेगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे मेरे से जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल।